नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करती हूँ मैं अपने YouTube चैनल साहित्य सृजन पर। तो आज हम दिल्ली विश्वविद्यालय एमए हिंदी का एंट्रेंस एग्जाम का 2017 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, मिश्र बंधु विनोद का पहला भाग किस सन में प्रकाशित हुआ? तो इसका उत्तर होगा सन 1913। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास किसकी कृति है? ए रामचंद्र शुक्ल, बी हजारी प्रसाद द्विवेदी, सी श्याम सुंदर दास, डी डॉक्टर रामकुमार वर्मा। तो इसका उत्तर होगा डी डॉक्टर रामकुमार वर्मा। राहुल सांकृत्यायन के अनुसार सरहप्पा का रचना काल है 769, 760, 797, 1257। तो इसका उत्तर होगा 769। गोरखनाथ की रचनाओं को गोरखवाणी 769। ए गोरखनाथ की रचनाओं को गोरखवाणी नाम से किसने संपादित किया? ए रामचंद्र शुक्ल, बी पीताम्बर दत्त बड़वाल, सी राहुल सांकृत्यायन, डी हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो इसका उत्तर होगा बी पीताम्बर दत्त बड़वाल। निम्नलिखित में से कौन जैन कवि नहीं है? ए हेमचंद, बी इंदु, सी धनपाल, डी कन्हप्पा। तो इसका उत्तर होगा डी कन्हप्पा। प्रश्न संख्या 6 देखते हैं, आदि काल को सिद्ध सामंत काल किसने कहा? तो इसका उत्तर होगा सी राहुल सांकृत्यायन। श्रव काचार किसकी रचना है? ए सरहपा, बी जिन धर्म सूरी, सी देवसेन, डी मुनि जिन विजय। तो इसका उत्तर होगा सी देवसेन। प्रश्न संख्या 10, अद्भुत संप्रदाय नाम किस संप्रदाय के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका उत्तर होगा बी नाथ संप्रदाय। हमीर रासों का रचयिता कौन है? सांधर, बी जगनिक, सी नरहपति नाला, डी दलपत विजय। तो इसका उत्तर ए होगा सांगधर। चंदर बदाई किस नरेश के राजकवि थे? ए चित्तौड़ नरेश खुमान, बी छत्रसाल, सी बिसलदेव, डी पृथ्वीराज चौहान। तो इसका उत्तर होगा डी पृथ्वीराज चौहान। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार उक्ति व्यक्ति प्रकरण किस प्रकार का ग्रंथ है? तो यह है बी व्याकरण, व्याकरण ग्रंथ। आचार्य रामानुजन की शिष्य परंपरा, आचार्य रामानुजन के शिष्य परंपरा में भक्तमाल के रचनाकार है ए रामानंद, बी तुलसीदास, सी नाभादास, डी जंबनाथ। तो उसका उत्तर होगा सी नाभादास। अब हम प्रश्न संख्या 13 देखते हैं, आचार्य रामानुज की शिष्य परंपरा में चतुर्थ शिष्य थे ए राघवानंद, बी माध्वाचार्य, डी रामानंद, सी रामानंद, डी नामदेव। तो इसका उत्तर होगा सी रामानंद। भक्तमाल के टीकाकार है ए प्रियादास, बी कबीरदास, सी धर्मदास, डी लालदास। तो इसका उत्तर होगा ए प्रियादास। कबीर परिचय के अनुसार कबीरदास का जन्म स्थान है ए काशी, बी प्रयाग, सी हरिद्वार,
डी कुशपुर, तो इसका उत्तर होगा ए काशी। नानक देव का जन्म स्थान किस नाम से ख्यात है? सांभर, ननकाना साहेब, नानक स्थान, कुशपुर, तो इसका उत्तर होगा बी ननकाना साहब। जमनाथ ने किस संप्रदाय की स्थापना की? निरंजनी, विश्नोई, वैष्णव, गोडिये, तो इसका उत्तर होगा बी विश्नोई। कबीर दास के वचनों का संग्रह किया? ए धर्मदास ने, बी नाभादास ने, सी रैदास ने, डी सिंगा ने, तो इसका उत्तर होगा ए धर्मदास ने। दक्षिण से आए आलवार भक्तों की संख्या कितनी मानी गई है? तो इसका उत्तर होगा डी 12। बल्भाचार्य का दर्शन था? ए द्वैताद्वैत, बी शुद्धाद्वैत, सी द्वैत, डी अद्वैत, तो इसका उत्तर होगा बी शुद्धाद्वैत। ललित ललाम किसका ग्रंथ है? ए जसवंत सिंह, बी भूषण, सी पद्माकर, डी मतीराम, तो इसका उत्तर होगा डी मतीराम। मध्वाचार्य ने किस दर्शन पर आधारित वैष्णव संप्रदाय चलाया? ए द्वैतवाद, बी द्वैतवाद, सी शुद्धा द्वैतवाद, डी अद्वैतवाद, तो इसका उत्तर होगा ए द्वैतवाद। भविष्यत कहा किसकी रचना है? तो इसका उत्तर होगा डी धनपाल। वल्लभाचार्य का साधना मार्ग किस नाम से जाना जाता है? पुष्टि मार्ग, प्रेम मार्ग, ज्ञान मार्ग, सत्संग, तो इसका उत्तर होगा ए पुष्टि मार्ग। अष्ट छाप के कवियों में नहीं है, तो इसमें पूछा गया है अष्ट छाप के कवियों में कौन शामिल नहीं है, तो इसका उत्तर होगा डी हरिदास। रास पंचाध्यायी किसकी कृति है? ए कुंभन दास, बी नंदास, सी चतुर्भुज दास, डी गोविंद स्वामी, तो इसका उत्तर होगा बी नंदास। कीर्ति पताका के रचनाकार है, तो इसका उत्तर होगा बी विद्यापति। गौड़ीय संप्रदाय के प्रवर्तक थे स्वामी हरिदास, चैतन्य महाप्रभु, आचार्य वल्लभ, निम्बकाचार्य, तो इसका उत्तर होगा बी चैतन्य महाप्रभु। चित्रावली किसकी रचना है? तुलसीदास, शेख नवी, उस्मान, जायसी, तो इसका उत्तर होगा सी उस्मान। राधा वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य हैं? ए हित हरिवंश गोस्वामी, बी दामोदर दास, सी वल्लभाचार्य, डी हरिव्यास देव, तो इसका उत्तर होगा ए हित हरिवंश गोस्वामी। रामचरित मानस में कितने कांड है? तो इसका उत्तर होगा सी 7। रामचरित मानस में 7 कांड है। तुलसीदास की रचना है? ए वरवे नारायण, बी रामचंद्रिका, सी अध्यात्म रामायण, डी रामायण, तो इसका उत्तर होगा ए बर्वे रामायण। छत्रसाल दशक किसका ग्रंथ है? तो इसका उत्तर होगा सी भूषण। रीति सिद्ध कवि माने जाते हैं? घनानंद देव भूषण बिहारी, तो इसका उत्तर होगा डी बिहारी। कौन सगुण पाशक कवि नहीं है? ए तुलसीदास, बी नाभादास, सी दादूदयाल, डी केशवदास, तो इसका उत्तर होगा सी दादू दयाल। भिखारी दास की रचना है? ए भाव विलास, बी इश्कनामा, सी काव्य निर्णय, डी अलंकार प्रकाश, तो इसका उत्तर होगा सी काव्य निर्णय। इनमें से कौन सा लेखक भारतेंदु मंडल का नहीं है?
प्रताप नारायण मिश्र, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, राजा लक्ष्मण सिंह, बालकृष्ण भट्ट। तो इसका उत्तर होगा सी, राजा लक्ष्मण सिंह। ग्वाल कवि का रचनाकार है। आदिकाल, उत्तर मध्य काल, आधुनिक काल, भक्ति काल। तो इसका उत्तर होगा बी, उत्तर मध्य काल। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार रीति काल की समय सीमा है। तो इसका उत्तर होगा ए, संवत 1700 से 1900 तक। प्रश्न संख्या 40 है, कवित रचनाकार किसकी रचना है? तो यहाँ चार ऑप्शन देखते हैं, चिंतामणि, बिहारी, घनानंद और सेनापति। तो इसका उत्तर होगा डी, सेनापति। बिहारी की भाषा चलती होने पर भी साहित्यिक है, यह किसका कथन है? रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर नगेंद्र, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो इसका उत्तर होगा ए, रामचंद्र शुक्ल। संदेश रासक के रचनाकार है जिंदत सूरी, धनपाल, अब्दुल रहमान, पुष्पदंत। तो इसका उत्तर होगा सी, अब्दुल रहमान। अपभ्रंश प्रभाव से मुक्त हिंदी रचना है खुसरो की मुकरियां, भविष्यत कहा, संदेश रासक, उपदेश रसायन रास। तो इसका उत्तर होगा ए, खुसरो की मुकरियां। सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन वर्ष है 1903, 1902, 1900, सन 1909। तो इसका उत्तर होगा सन 1900 सी। निम्न में से कौन भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना नहीं है? प्रेम पथिक, प्रेम फुलवारी, प्रेम मालिका, प्रेम सरोवर। तो इसका उत्तर होगा ए, प्रेम पथिक। ब्राह्मण पत्रिका के संपादक थे भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रताप नारायण मिश्र, राधा कृष्ण दास, अंबिका दत्त व्यास। तो इसका उत्तर होगा बी, प्रताप नारायण मिश्र। आनंद रघुनंदन के लेखक है शीतला प्रसाद त्रिपाठी, प्राणचंद चौहान, भारतेंदु हरिश्चंद्र, महाराज विश्वनाथ सिंह। तो इसका उत्तर होगा डी, महाराज विश्वनाथ सिंह। विद्या सुंदर का हिंदी रूपांतरण किसने किया था? तो इसका उत्तर होगा ए, भारतेंदु हरिश्चंद्र। परीक्षा गुरु का प्रकाशन वर्ष है 1870, 1850, 1882 ईस्वी, 1907। तो इसका उत्तर होगा 1882। गोपाल राम गहमरी किस युग के रचनाकार है? भारतेंदु युग, छायावाद, छायावादोत्तर, द्विवेदी युग। तो इसका उत्तर होगा डी, द्विवेदी युग। प्रश्न संख्या 51 देखते हैं, नल दमयंती स्वयंवर रचना किसके द्वारा रचित है? गजराज सिंह, बालकृष्ण भट्ट, शीतला प्रसाद त्रिपाठी, भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो इसका उत्तर होगा बी, बालकृष्ण भट्ट। अंधेर नगरी किस वर्ष में प्रकाशित हुआ? तो इसका ऑप्शन होगा 1881, 1883, 1875, 1880। तो इसका उत्तर होगा ए, 1881। और इसके रचयिता है भारतेंदु हरिश्चंद्र। बाला बोधिनी किस सन में प्रकाशित हुई? तो इसका उत्तर होगा बी, 1874 ईस्वी। हिंदी प्रदीप के संपादक कौन थे? बालकृष्ण भट्ट, भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रताप नारायण मिश्र, लाला श्रीनिवास दास। तो इसका उत्तर होगा ए, बालकृष्ण भट्ट। कवि वचन सुधा कहाँ से प्रकाशित होती थी? काशी, कानपुर, इलाहाबाद, कलकत्ता। तो इसका उत्तर होगा ए, काशी। कौन सी कृति
जीवनी साहित्य नहीं है। तो इसका उत्तर होगा डी सौंदर्य पासक। गया प्रसाद शुक्ल स्नेही किस काल के कवि हैं? ए भारतेंदु युग, बी द्विवेदी युग, सी रीतिकाल, डी छायावाद। तो इसका उत्तर होगा बी द्विवेदी युग। मैथिली शरण गुप्त की प्रथम पुस्तक कौन सी थी? ए रंग में भंग, बी द्वापर, सी जय भारत, डी भारत भारती। तो इसका होगा रंग में भंग। ठेठ हिंदी का ठाठ किस विधा की रचना है? काव्य निबंध आलोचना उपन्यास। तो इसका आंसर होगा डी उपन्यास। इंदू पत्रिका कहां से प्रकाशित होती थी? तो इसका उत्तर काशी है। हालावाद के प्रमुख कवि थे बालकृष्ण शर्मा, नवीन दिनकर, निराला, माखनलाल चतुर्वेदी। तो इसका उत्तर होगा ए बालकृष्ण शर्मा, नवीन। जूही की कली की रचना किस सन में हुई? सन 1920, सन 1916, 1935, 1938। तो इसका उत्तर होगा सन 1916। कौन राष्ट्रीय सांस्कृतिक धारा का कवि नहीं है? माखनलाल चतुर्वेदी, सुभद्रा कुमारी चौहान, राम नरेश त्रिपाठी, धूमिल। तो इसका उत्तर होगा डी धूमिल। धन्यवाद।